Now, let us find out magnetic induction at an equatorial point. We can say equatorial point. At a point on the equator, that means equatorial point. Consider a short bar magnet. This is South Pole and this one is North Pole. This is center. This one is axis. The axis over here. What is the equator? Equator is a straight line passing through the center and perpendicular to the axis. So here you have to draw like this. This is the equator. This is equatorial line. This equatorial line is perpendicular to the axis. The distance between center and north pole is denoted by L. The distance of south pole and center is denoted by L. Okay? You have to find magnetic induction at an equatorial point. So let us take one equatorial point. This is point P, is an equatorial point. यहाँ पर अगर point लिया तो वह axial point हो जाएगा. तो इस point पर हमें magnetic induction find out करना है. Now this is the magnetic induction due to a short bar magnet. And this short bar magnet having the two poles, north pole as well as the south pole. इसका मतलब नॉर्थ पोल का भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और साउथ का भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट पी इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू साउथ पोल. होगा कि नहीं होगा? नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल के अगर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? तो मैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड करेगा इसके पोल स्ट्रेंथ पे. मतलब इसका पोल स्ट्रेंथ हम लोग डिनोट करते हैं प्लस एम से और साउथ का डिनोट करते हैं माइनस एम से. ठीक है? सो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू एन पोल इज गिवन बाय, लेट अस से इट इज डिनोट बाय बी वन इज इक्वल टू फॉर्मूला इज म्यू जीरो अपॉन 4 pi. This magnetic induction due to north pole depends on the pole strength of north pole denoted by plus m. ठीक है? और ये inverse square law follow करता है. तो distance n से लेकर p तक का मतलब distance क्या हो जाएगा? np. और यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसका square. Clear है? तो ये distance. तो यहाँ से magnetic field apply होगा point p पे. ध्यान रखो. इस प्रकार से अप्लाई हो रहा है. ठीक है? ये लाइन ऐसा जा रहा है. इस लाइन के अलोंग में मैग्नेटिक इंडक्शन बी वन अप्लाई हो रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी वन. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो उसका डायरेक्शन यहां पर देखो, यहां से अप्लाई हो रहा है P पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, डायरेक्शन उधर रहेगा. ठीक है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से. तो नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक लाइंस अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल होता है ना. तो ये देखो ना, मैग्नेटिक इंडक्शन नॉर्थ पोल के अवे ही जा रहा है. लेकिन ये मैग्नेटिक लाइंस कहां पर चली जाती है? साउथ. तो साउथ के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द साउथ होता है. साउथ के कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू एस पोल इज गिवन बाय बी टू इज इक्वल टू यू जीरो अपॉन फोर पाई वेयर यू हैव टू टेक माइनस एल डिवाइडेड बाय एस पी स्क्वायर. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द साउथ पोल, ये डिस्टेंस ऐसा रहेगा. ठीक है? एसपी डिस्टेंस हो गई. अब मैंने
एस से पी के तरफ लाइन बनाया, उसको आगे नहीं लिया मैंने और उसको बी टू नहीं बताया, बिकॉज बी टू इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द साउथ पोल और उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द साउथ पोल होना चाहिए, मतलब पॉइंट पी पर अप्लाई हो रहा है, तो यहां से आपको बी टू को इधर देना पड़ेगा। ठीक है, सो बी टू इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द साउथ पोल एंड बी वन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। बी वन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम एंड पोल एंड बी टू is directed towards the S pole. Clear? Now, these are the direction of magnetic induction B1 and B2. Then, what about its resultant? Resultant क्या होगा? तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो resultant मतलब अगर ऐसा है b1 और ये b2 है तो रिजल्टेंट हो गया b is equal to b1 plus b2। अगर समझ लो ऐसा है तो रिजल्टेंट हो गया b is equal to b1 minus b2। लेकिन अगर आपके पास b1 का डायरेक्शन ये है और b2 का डायरेक्शन अगर ये है, मतलब दो वेक्टर इस प्रकार से अलाइंड है, इस प्रकार से उनका डायरेक्शन है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो इसके सेंटर पे होता है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन जस्ट यू हैव टू ऐड इट, रिजल्टेंट मतलब बी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू। इफ टू वेक्टर्स आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन जस्ट यू हैव टू टेक बी इज इक्वल टू बी वन माइनस बी टू एंड दे आर इंक्लाइंड लाइक दिस, अगर ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार का एंगल बना रहे तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो बी वन और बी टू के बीच में होगा, मतलब जितना एंगल B1 B के साथ बनाएगा उतना एंगल B2 B के साथ बनाएगा, सो एंगल रिमेन सेम। यहाँ पर थीटा अगर है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। सो हियर वी आर टू शो दिस इज B, ठीक है ना। जैसे एक्सियल पॉइंट पर आप फाइंड आउट करते हो तो सिंपली फार्मूला लेते हैं B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। यहाँ पर कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर B के साथ B2 एंगल बना रहा है थीटा और B1 B के साथ एंगल बना रहा है थीटा, यही एंगल सेम यहाँ पर भी होता है और वही एंगल यहाँ पर भी होता है। मैथमेटिकली आप लोग देख लो, ये एंगल और ये एंगल जो है वो सेम ही है, देख लो कैसे, बताइए ये दोनों एंगल कौन से हैं? दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये एंगल कौन से हैं? हाँ, अल्टरनेट एंगल। और ये दो एंगल कौन से हैं? ये पैरेलल लाइन हो गया, किसका पैरेलल हुआ? बी का। ये दोनों पैरेलल हुए कि नहीं? इसका अंदर ये ट्रांसवर्सल हुआ कि नहीं हुआ? ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल कौन से हुए? करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो जो एंगल यहाँ पर होगा, जो एंगल यहाँ पर होगा, वही एंगल यहाँ पर भी होंगे। अब रही बात अल्टरनेट एंगल की, ये अल्टरनेट एंगल नहीं होते बाबू, ये अल्टरनेट एंगल नहीं होते, ये अल्टरनेट एंगल ये है इधर, समझे क्या? ये हो गया ट्रांसवर्सल, अब ये दोनों एंगल सेम होंगे, नाउ दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स एंड दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये अल्टरनेटिंग होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो थीटा रहेगा, यहाँ पर जो थीटा रहेगा वही है, ठीक है नाउ लेट अस जॉइन दिस पॉइंट्स, यू विल गेट योर क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर हम लोग विथ मेजरमेंट ड्रॉ नहीं कर रहे इसलिए आपको दिखेगा नहीं, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। This is a parallelogram. क्या बन जाता है यहाँ पर? Parallelogram. And according to parallelogram law of vector addition, the resultant B is equal to
बी वन कॉस थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा बी टू कॉस थीटा। अब कैसे बी वन कॉस थीटा प्लस बी टू कॉस थीटा लॉजिक सर, ये आपको बी वन दिख रहा है, ये बी वन है ठीक है। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, दिस इज बी वन साइन थीटा एंड दिस इज बी वन कॉस थीटा ठीक है। मतलब यहां पर आया बी वन कॉस थीटा, B क्या रहा है, ये B हो गया, B यही पर है ना ये, और ये B1 हो गया, और ये B1 को B1 sin theta आ गया, तो ये हो गया B1 sin theta ठीक है। अब ये B1 की बात है, अब B2 के कंपोनेंट निकालो, तो B2 इधर आ रहा है ठीक है, तो B2 के दो कंपोनेंट, एक यहां पर आएगा एक यहां पर आएगा, फिर से ये आ जाएगा B2 sin theta और ये आ जाएगा B2 cos theta, अगेन B2 cos theta यही पर आ गया, और इस लाइन के अलॉन्ग में B2 sin theta आ गया ठीक है। Now this B is equal to B1 cos theta plus B2 cos theta, आ गए दोनों वेक्टर एक लाइन में आ गए, मतलब b is equal to आपको मिल गया b1 cos theta plus b2 cos theta। In this case np is equal to sp, जितना np distance है उतना यहाँ पर sp distance है, और दोनों अगर distance सेम है, दोनों distance सेम है, तो ये formula के according मेजर ऑफ फोर बाय दोनों में सेम है, होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो b1 b2 सेम होगा कि नहीं होगा, मतलब जितना मैग्नेटिक इंडक्शन नॉर्थ पोल का होगा उतना मैग्नेटिक इंडक्शन साउथ का होगा, कहां पे इक्वेटर पे, कहां पे इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब एक प्रकार से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बैठा हुआ है, ये जो लाइन दिख रहा है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक प्रकार का, ये इस मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देख लो आप लोग, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है और साथ साथ में इस लाइन को मतलब लेंथ ऑफ मैग्नेट को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट है तो डिस्टेंसेस इक्वल नहीं रहेंगे। सो इफ np इज इक्वल टू sp देयरफॉर b1 इज इक्वल टू b2, दैट मींस दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज b इज इक्वल टू b1 cos थीटा ट्वाइस b1 cos थीटा, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, b1 cos theta b2 की जगह पर क्या कर दिया b1, ये भी b1 cos theta हुआ कि नहीं हुआ, तो b1 cos theta plus b1 cos theta कितना हो गया, twice b1 cos theta हो गया। Now you have the formula for b1, b1 का formula आपके पास में है, किसको निकालना है आपको, cos theta, किसको निकालना है cos theta, अब cos theta कैसे निकलेगा, सेंटर से लेकर पॉइंट p तक का डिस्टेंस आप लोग r ले लो ठीक है, इसमें b इज इक्वल टू ट्वाइस b1 का फॉर्मूला म्यू जीरो अपॉन फोर पाई प्लस को नहीं लिखता मैं m अपॉन एन पी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आया ठीक है। इस डायग्राम में कॉस थीटा निकालो, मतलब इस डायग्राम में आप लोग ट्रायंगल दिख रहा है, दो दिख रहा है पर एक ही ट्रायंगल है, वैसे तीन दिख रहा है एक ही ट्रायंगल, ये भी दिख रहा है ये भी दिख रहा है एक बड़ा भी दिख रहा है, ये ट्रायंगल लेंगे हम लोग, तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे एन पी सी, सो फ्रॉम फिगर कॉस थीटा इज इक्वल टू, देख लो इस ट्रायंगल में ये पी है ये एन है ये सी है, ऐसा ये 90 डिग्री है, और इसको आपने थीटा किया, इसको आपने आर माना, इसको एल माना, व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा का एडजेसेंट कौन है एल, हाइपोटेनस कौन है एनपी,
है कि नहीं, मतलब आप cos थीटा इज इक्वल टू क्या करोगे, एडजेसेंट CM, CM मतलब क्या हुआ L, और ये क्या हुआ NP, दैट मीन्स B इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू जीरो अपॉन फोर पाई M अपॉन NP स्क्वायर इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ L अपॉन NP, ठीक है, then you will get B is equal to twice mu 0 m upon 4 pi L upon NP cube, ठीक है कि नहीं है, तो find out NP, NP क्या है यहाँ पर, तो NP is equal to फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो क्योंकि हाइपोटेनस बन गया ना, सो NP स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, देन NP इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आएगा, स्क्वायर रूट में मतलब पावर 1/2 होता है, स्क्वायर रूट को हम लोग पावर 1/2 लिखते कि नहीं लिखते, अब आप दोनों तरफ क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, पावर 3 करो तो NP का पावर 3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो NP का पावर 3 हुआ तो इधर भी पावर 3 होगा कि नहीं होगा, पावर यहां पर ऑलरेडी कितना है 1/2 और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 3/2, मतलब ये बन गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रेस्ट पावर क्या रहेगा 3/2, मिल गया NP क्यूब। अब B is equal to mu zero twice को एक काम करता था, ये इसके साथ ले लेता हूँ twice L और M multiply कर देता हूँ, तो ये ऐसा बनेगा mu zero upon 4 pi M into twice L divided by NP, NP क्या है अपन R square plus L square, NP क्यूब क्या हो जाएगा 3/2, समझे कि नहीं समझे, बट फॉर ए शॉर्ट बार मैग्नेट, फॉर ए शॉर्ट बार मैग्नेट कंडीशन इज दैट R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, सो हियर यू हैव टू निग्लेक्ट टर्म ऑफ L, दैट मींस L स्क्वायर, और L square को neglect करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा R square plus L square approximately equal to R square, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब ये formula आपका क्या होगा, ये formula हो जाएगा B is equal to mu 0 upon 4 pi M into twice L divided by, यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ R क्यूब आएगा क्योंकि ये क्या होगा R का पावर 2, यहाँ पर R का पावर 2 इंटू 3/2, नहीं समझे क्या, तो 2 क्या होगा कैंसल, तो आपको मिलेगा क्यूब, बट इन दिस केस यू नो दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू M इंटू ट्वाइस L, एंड हेंस फार्मूला बिकम्स B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब, एंड दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सेल पॉइंट में यहाँ पर 2 आता है, एक्सेल पॉइंट में यहाँ पर 2 आता है, और इक्वेटोरियल के लिए यहाँ पर 1 आएगा, मतलब 2 नहीं आ रहा है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब आ रहा है, ठीक है, एक्सेल का क्या बताया मैंने, बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब, तो 2 को आगे ला दो, बराबर है, ये हुआ इक्वेटर और ये क्या हुआ एक्सिस, कौन बड़ा रहेगा, कहाँ पर मैग्नेट इंडक्शन ज्यादा रहेगा, एक्सिस पर ज्यादा होगा कि इक्वेटर पर, एक्सिस पर, फॉर द सेम, फॉर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, जितना डिस्टेंस आपने सी पॉइंट से पी तक इक्वेटर पर लिया उतना डिस्टेंस आपने सी पॉइंट से पी पॉइंट तक एक्सिस पर लेना पड़ेगा, बराबर है, इफ डिस्टेंस अगर ये दोनों सेम है
इसका मतलब कैपिटल एम तो दोनों में सेम ही रहेगा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई तो सेम ही रहेगा, फर्क कहाँ पर आ रहा था, सिर्फ डिस्टेंस में, बराबर है। मतलब एक सिंगल मैग्नेट है आपके पास में, उस सिंगल मैग्नेट का एक इक्वेटोरियल पॉइंट लेना और एक एक्सियल पॉइंट लेना, अगर दोनों सेम डिस्टेंस पर पॉइंट है इसका मतलब दोनों पर मैग्नेटिक इंडक्शन भी, सॉरी दोनों पर मैग्नेटिक इंडक्शन सेम नहीं होगा। तो क्या होगा रिलेशन, दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, आप लोग देखो मैंने bx = twice of mu 0/4 pi m / r³ लिखा, ये आपका इक्वेटर है कि नहीं है, इक्वेटर का फार्मूला, इसका मतलब bx is equal to आपने twice of क्या लिखा, b इक्वेटर, ठीक है, दैट मींस bx is always greater than b इक्वेटर, लेकिन डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्लियर है। नाउ this is the formula for magnetic induction at an equatorial point. In this case, let us show the relation between distance and magnetic induction. In this case, mu 0.4 pi and capital M are constants. ये constant है, constant होने के कारण B equator is inversely proportional to R cube, cube of distance, cube of distance of a point from the center of short bar magnet. Any doubt?